Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. So आज की जो मेरी वीडियो है वो है फूड रिव्यू. सो अगर आपके घर में भी ये वाला मसला है कि किसी को खाना है फास्ट फूड, किसी को खाना है देसी, और आप सब परेशान हैं कि किस तरीके से एक ही रेस्टोरेंट में आप ये सब कुछ ले सकते हैं, सो आज इस मसले का हल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. मैं आई हूँ मिस्टर शेजी, जो कि लोकेटेड है गार्डन पर. और अगर हम बात करें इनकी मेन्यू की, तो ये है इनका मेन्यू कार्ड जो कि बहुत ही यूज है. यहाँ आपको हांडी, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें, कबाब वगैरह, चिकन टिक्का, इनके पास सूप है, पिज्ज़ा है, मतलब आपको हर वैरायटी इनके मेन्यू कार्ड में आपको मिलेगी. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ ना हो. लेकिन अगर बात की जाए इनके खाने की, तो उसका टेस्ट जो है वो भी 10 out of 10 है. काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी हमने ट्राई करी. अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो मुझे इनका पिज्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. सो मैंने इनका मेन्यू कार्ड देखा, उसके बाद जो है हम गए आगे. और ये है इनका एम्बियांस. अगर एम्बियांस की बात की जाए तो ये जस्ट एवरेज है, कोई इतना क्लासी नहीं है. और उसके बाद हमने ऑर्डर किया इनका चिकन सूप. इसकी मेकिंग जो है वो हमने अपने सामने ही चेक करी, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सूप को डाला जा रहा था और फिर उसको जो है वो खूब लोडेड करके जो है वो हमें दिया गया. ये है सूप, आप देख सकते हैं. इसमें जो है वो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, जो आपका दिल करे. और ये बहुत ही ज़्यादा यमी था. उसके बाद जो है हमने ऑर्डर की इनकी चिकन कढ़ाई. चिकन कढ़ाई की भी हमने सोचा कि मेकिंग चेक कर ही लें कि किस तरीके से जो है वो ये कढ़ाई को बना रहे हैं. सो सबसे पहले जो है इन्होंने ऑयल के अंदर जो है वो चिकन ऐड की, और चिकन को जो है अच्छे तरीके से इन्होंने तेल में जो है वो फ्राई किया. उसके बाद जो है इन्होंने स्पाइसेस वगैरह ऐड करके अपनी कढ़ाई बनाई. हम इतनी देर खड़े होके इसकी मेकिंग नहीं देख सकते थे, इसीलिए हम अंदर जाकर बैठ गए और अपने खाने का जो है वो वेट किया. 15 minutes later. सो फाइनली जो है वो हमारी कढ़ाई जो है वो आ गई है, और लुक वाइज तो बहुत ही ज़्यादा ये यमी लग रही है. और खैर ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े की थी, बट इसमें थोड़ा सा मसाला जो है वो कम था, बट वैसे जो है ये बहुत मज़े की थी. सो कढ़ाई के बाद नंबर आता है इन सीख कबाब का. और अगर सीख कबाब की मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, बिकॉज़ ये काफ़ी जो है वो सख्त टाइप हो गए थे, क्योंकि सीख कबाब जो है वो सॉफ्ट एंड जूसी अच्छे लगते हैं. खैर ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए. और अब ये है इनका स्पेशल मिस्टर शेजी पिज़्ज़ा, जो कि 10 out of 15 कह सकते हैं हम. बहुत ही ज़्यादा कोई जो है वो मज़े का था. सो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि मिस्टर शेजी जाएं और इनका पिज़्ज़ा जो है वो ज़रूर ट्राई करें और इनका फ़ूड ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज इनका फ़ूड बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोई मज़े का है. ठीक है, आप लोग ज़रूर जाएँ, ज़रूर जाएँ और इन्जॉय करें मज़ेदार सा फ़ूड. और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी. लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें, और वीडियोस को देखते रहिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.